उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें चरणों में वोट करने के मामले में महिलाओं ने बाजी मार ली है और चुनाव में 63.26% महिलाओं ने वोट डाले तो वहीं पुरुषों का आंकड़ा 59.43% रहा, यानी कि महिलाओं ने 4% ज्यादा मतदान किया। आज के दौर में महिलाएं हर कदम पर पुरुषों को बराबर की टक्कर दे रही हैं। क्षेत्र चाहे शिक्षा का हो, खेल का हो या फिर राजनीति का, हर जगह महिलाएं अपना लोहा मनवा रही हैं। महिलाओं का यही नजरिया इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां वोट करने के मामले में महिलाओं ने बाजी मारते हुए पुरुषों को पछाड़ दिया। हालांकि वोटिंग के मामले में पिछले चुनाव में भी महिलाएं पुरुषों से आगे थी, लेकिन इस बार के चुनाव में खास बात ये रही कि अंतर का ये आंकड़ा पिछले चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा रहा। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में 63.26% महिला वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों का ये आंकड़ा 59.43% रहा, यानी महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले करीब 4% ज्यादा मतदान किया। 2012 के चुनाव में भी महिला मतदाताओं ने ही बाजी मारी थी, हालांकि उस वक्त महिला और पुरुष वोटर्स के बीच मतदान का अंतर सिर्फ 1.6% रहा था। हालांकि 2007 के यूपी चुनाव में महिलाएं वोटिंग के मामले में पुरुषों से पिछड़ गई थी। उस दौरान महिलाओं की वोटिंग का आंकड़ा 41.92% रहा था, जबकि पुरुषों का आंकड़ा 49.35% था, यानी महिलाएं वोटिंग में पुरुषों से 7.5% के अंतर से पिछड़ गई थी। खास बात यह है कि 2007 में महिलाओं के कदम मतदान के बावजूद मायावती की शानदार जीत हुई थी। अगर ओवरऑल वोटिंग की बात करें तो इस बार यूपी में 2017 के चुनाव में कुल 61.18% वोटिंग हुई, जो 2012 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। 2012 के विधानसभा चुनाव में 59.4% वोटिंग हुई थी। बहरहाल इस बार वोटिंग के आंकड़ों से ये बात तो साफ है कि महिलाएं एक नए राजनीतिक वर्ग की तरह उभर रही हैं। इस बार बीजेपी ने जहां लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए एंटी रोमियो टीम तैनात करने का वादा किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त साइकिल देने का वादा किया। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन सर्विस और राज्य के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छूट देने का भी वादा किया गया। उधर बीएसपी ने भी बेहतर कानून व्यवस्था के जरिए महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा का वादा किया है। इन आंकड़ों से तो ये साबित होता है कि महिलाओं में वोटिंग के प्रति ये रुझान कहीं ना कहीं सूबे में एक मजबूत सरकार चुनने की तरफ इशारा करती है, ताकि प्रदेश की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।